नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी पहाड़ों पर कहां भारी उफान के बीच 17 जिंदगियों को बचाया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ अमित शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर लिफ्ट में 8 लोग फंस गए और काफी देर तक फंसे रहे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मेट्रो में जुआ खेलने का वीडियो सामने आया, ये खबर भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिस कारण इधर उधर सैलानी फंसे हुए हैं। टिहरी में भी कुछ सैलानी फंस गए। इन 17 लोगों को किस तरह एसडीआरएफ ने बचाया, आपको दिखाते हैं। ऊपर रस्सी में लटकती जिंदगी और नीचे अपनी आगोश में लेने के लिए लहरों का वेग आमादा है। टिहरी से ये बेहद ही दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से टिहरी में जगह जगह रास्ते बंद हैं, नदी नालों में उफान है, जिससे यहां आए पर्यटकों की जान पर बनाई है। टिहरी में कुमलडा बरसाती नाला नदी की शक्ल में बहने लगा है, जिसके बाद पास के रिजॉर्ट में 17 लोग फंसे रह गए। वहां से निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था, जिसमें 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग शामिल थे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया। बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, हाईवे बंद हो गया है, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिफ्ट में फंसने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। अब ऐसे ही मामले दूसरे शहरों से भी सामने आए। सोसाइटी में लिफ्ट खराब होना भी आम हो चला है। दिल्ली एनसीआर में तो अक्सर लिफ्ट खराब होते ही हैं, जिससे लोग घंटों तक उसके अंदर फंसे रहने को मजबूर हो जाते हैं। लिफ्ट एक्ट होने के बावजूद भी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। अब देश के दूसरे इलाकों में भी लिफ्ट खराब होने की खबरें आने लगी हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक एक करके 8 लोग लिफ्ट से बाहर निकले, जिसके बाद सबकी जान में जान आई। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लिफ्ट अचानक रुक गई, जिससे 8 लोग फंस गए। इस दौरान लिफ्ट में सवार लोगों ने काफी देर तक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार लिफ्ट में सवार लोग खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। हादसा स्कीम नंबर 140 के ग्रैंड एक्सोटिक की सनशाइन बिल्डिंग में हुआ। बताया जा रहा है कि इस इमारत में ना तो कोई गार्ड रहता है और ना ही लिफ्ट मैन तैनात है। इस बात की जानकारी जब मोबाइल के जरिए बड़ी मुश्किल से लिफ्ट में फंसे लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों को बताई, तब जाकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोटी सी जगह से सभी लोगों को पकड़कर लिफ्ट के बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि लिफ्ट 10वीं मंजिल से ठीक तरह चल रही थी, लेकिन 5वें फ्लोर पर आते आते वो रुक गई। कुछ देर के लिए लिफ्ट में मौजूद लोगों को लगा कि बिजली गुल होने की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, लेकिन जब काफी देर तक लिफ्ट नहीं चली तो उन्होंने अपने करीबियों को फोन किया। लिफ्ट खराब होने की घटना सामने आने के बाद प्रशासन अब सुरक्षा इंतजाम को लेकर जांच कराने की बात कह रही है। इंदौर की सभी लंबी इमारतों में लिफ्ट को लेकर सभी सुरक्षा गाइडलाइन लागू है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
दिल्ली मेट्रो के अंदर से तरह तरह के वीडियो सामने आते रखे हैं। अब एक हैरान कर देने वाला वीडियो दिल्ली मेट्रो का आया है, जहां पर लोग ताश के पत्ते खेलते नजर आ रखे हैं। देखिए, कभी बेझिझक रील बनाना तो कभी मस्त मौला अंदाज में डांस करना, दिल्ली मेट्रो में यह आम होता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल्ली मेट्रो का बताया जा रहा है, जहां मेट्रो के फर्श पर बैठकर कुछ लोगों ने मंडली सजा रखी है। आपका स्वागत है। और वो कपड़ा बिछाकर ताश के पत्ते खेलते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें सारी मर्यादाओं को दरकिनार रखते हुए ये लोग ताश खेल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई दिख नहीं रहा। वहां पर मौजूद लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक शख्स वीडियो बना लेता है, हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला ताश खेलने वालों का साथी हो। दिल्ली मेट्रो में आपने अब तक लोगों को अजीबोगरीब हरकत करके रील बनाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो हैरानी भरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर मरोकी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब दिल्ली मेट्रो जुआरियों का भी अड्डा बन गया है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो को देश की राजधानी की लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। मेट्रो के आने से दिल्ली के लोगों का सफर आसान हुआ है, तो वहीं समय की भी बचत हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोगों ने इसे रील बनाने का अड्डा बना लिया है। नाच गाने से लेकर दूसरे वीडियो भी लगातार सामने आते रहते हैं। मेट्रो वीडियो बनाने को लेकर लगातार अपनी गाइडलाइन बनाता रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बलिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरटीआई से जब जानकारी मांगी गई तो पता चला कि 2017 में एक स्टूडेंट ने 10th और 12th एक साथ दोनों एग्जाम पास कर रखे हैं। बलिया के रहने वाली छात्रा पर धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम लगा है। आरोप है कि आरती यादव नाम की लड़की ने आज से 7 साल पहले यानी 2017 में यूपी बोर्ड की 2 परीक्षाएं एक साथ ही पास कर ली। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई छात्र एक ही साल में 10वीं की परीक्षा भी पास कर ले और 12वीं के पेपर देकर इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी पास हो जाए। आरोपों के मुताबिक आरती यादव ने एक ही साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का एग्जाम पास कर लिया। 10वीं कक्षा पास करके उसे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने में और 2 साल लगने थे, लेकिन यहां तो 10वीं और 12वीं एक ही साल में क्लियर हो गया। आखिर उसने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई? हाई स्कूल इंटर दोनों की छात्रा जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है और दोनों के सर्टिफिकेट मेरे पास उपलब्ध है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को भी एक शिकायती पत्र दिया था। कोई कार्रवाई नहीं, मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया है और मैंने यह मांग किया है कि दोनों विद्यालयों के साथ साथ उस बच्ची का भी जांच होना चाहिए कि इस तरह का कूट रचना धोखाधड़ी करके अब 420 का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार भी छवि धूमिल हो रही, या तो सरकार में सम्मिलित लोग ऐसा कर रहे हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, नहीं तो ये मामला कभी भी सामने नहीं आ पाता। आरटीआई कार्यकर्ता ने जांच करार दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने साल 2017 में बलिया जिले के 2 अलग अलग इंटर कॉलेज से रेगुलर छात्रा के रूप में ये परीक्षाएं दी। हाई स्कूल परीक्षा आरती यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज बेरीडीह अवराई कला से पास की। दावा है कि आरती को हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 500 अंक मिले थे, जो 83% से ज्यादा होते हैं।
वहीं आरोप है कि आरती यादव ने साल 2017 में ही बलिया के दूसरे महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज महाराजपुर अचेटा अवराही कला में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास की। अब ये मोटिव तो सीधे सीधे वो छात्रा बता सकती है तो विद्यालय के लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोनों विद्यालय के लोग आपस में मिले जुले हुए हैं और दोनों विद्यालयों से, मेरे यहाँ एक विद्यालय से फोन भी आया था इस बात के लिए पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मेरा वर्क है अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करना। अब सवाल है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकार लगातार ऐसे माफियों पर नकेल कसती आई है लेकिन अब जांच के बाद ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। बलिया से न्यूज 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मां ने बहादुरी दिखाते हुए अपने बेटे की जान बचाई। दरअसल कुछ लोगों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया जिसके बाद मां ने उन आरोपियों से मुकाबला किया और बेटे को सुरक्षित बचा लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 20 सड़क पर हुए एक जानलेवा हमले में एक महिला की बहादुरी की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी घटना की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि सड़क पर एक स्कूटर पर सवार लड़का पास में खड़ी अपनी मां से बात कर रहा था, तभी एक बाइक पर सवार बदमाश ने उस पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसके बाद ये महिला गजब की फुर्ती दिखाते हुए बदमाशों से जाकर भिड़ गई और सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर बदमाशों पर ही हमला बोल दिया। महिला के पलटवार से बदमाश वहां से थोड़ी दूर हट गए और इतनी देर में महिला का बेटा भी साथ आ गया और दोनों ने मिलकर हमलावरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद हाथ में तलवार लिए हुए बदमाश बचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया, लेकिन ये दोनों माँ बेटे उनका पीछा करते हुए पत्थरों से हमला करते रहे। हालांकि बदमाश वहां से भाग निकले लेकिन महिला की बहादुरी की वजह से इस जानलेवा हमले में उनके बेटे की जान बच गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की तलाश तेज कर दी।